वो ही एक सतनाम नहायत ही काबिल एहतराम डॉक्टर हुसैन साहब और यहाँ पे बैठे हुए तमाम मज़ाहिब के रहनुमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की ये तकरीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर रबी अव्वल की आमद के हवाले से, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अब मुझे ये मौका बख्शा है। क्योंकि डॉक्टर साहब की तकरीर के बाद मेरा ख्याल है कि मेरी तकरीर बनती नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही तफसील के साथ उन तमाम हवाला जात के ज़रिए बयान कर दिया है और उन्होंने कुरान पाक की रोशनी में जो उन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात है उसको वाज़े तौर पे बयान किया है। मैं समझता हूँ कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने ये बैनर पढ़ा कि मुस्लिम माशरे में गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। आज के इस दौर की अहम ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये जो ज़रूरतमंदाना कदम है, मैं इस पर तो पहले बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मिनाज यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़रूरतमंदाना ये कदम उठाया है। फिर उसके बाद जो आज की डॉक्टर साहब की जो बहुत तफसील के साथ जो बात है, मैं इस पर और बात नहीं करूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपकी आज का इस खिताब से मुझे बहुत जो हौसला मिला है और मुझे उम्मीद पैदा हो गई है कि अकलियतें यहाँ महफूज रह सकती हैं। चूँकि एक बात का मैं सिर्फ इजाफा करके बस बात ख़त्म करूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अकलियतों की सूरत हाल है, बेचैनी है, बेसकूनी है, और मैं समझता हूँ कि आज की आपका खिताब हमारे लिए बहुत हौसला मंद है, हमें तसल्ली बख्शता है। मैं सिर्फ़ सिंध के हवाले से भी बात करना चाहूँगा, जो सिंध में इस वक्त हमारी कम्युनिटी की सूरत हाल है इस पर भी गौर किया जाए। और जड़ावाला का जो वाक़या है ये तो नहायत ही अफसोसनाक वाक़या था पाकिस्तान की तारीख में, मैं समझता हूँ इस बाप की तौर पे देखा जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि वाहिद मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल है जिन्होंने आज अकलियतों की आवाज़ को बुलंद किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।